और दोनों हाथों से जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। खिलखिलाने की आवश्यकता नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट तो बहुत आ गई होगी। बाराबंकी जमात के छाया चौराहे पर आशीष सिंगारन दिख गए, समाजवादी युवा सभा के सब जिला अध्यक्ष है, जमकर नारेबाजी कर रहे थे और वासा बूथ स्तरीय बैठक कर रहे थे। उसके बाद खास तौर से उनकी समीक्षा बैठक है जिसमें वासा भी दिशा निर्देश देते हुए दिख रहे थे। कहते देखो भाई देखो, साइकिल यात्रा निकाली है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना, मतलब वासा अखिल बाल लाल टोपी झमाझम चमकेगी और 22 में सरकार बनेगी। अब सुनिए आशीष सिंगारन काका बोले। आज समाजवादी योजन सभा जनपद बाराबंकी विधानसभा हैदरगढ़ की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को सेक्टर रक्षक बूथ रक्षक के हिसाब से उनकी ड्यूटी चुनाव 22 को देखते हुए सबकी ड्यूटी अपने अपने क्षेत्र में लगा दी गई है, इसी को लेकर आज समीक्षा बैठक हुई थी। समीक्षा बैठक में सभी पदाधिकारियों को चुनाव में कैसे काम करना है, बूथ पे कैसे काम करना है और बूथ स्तरीय हम लोग साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी के कार्यों को, विचारों को, अखिलेश जी के विजन को जन जन तक पहुँचाएगी और 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाकर पूर्ण बहुमत की अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशीष सिंगारन भाषा धन्यवाद बोल रहे थे लेकिन हम आपको बोल रहे कि जाते जाते नारेबाजी सुन लीजिएगा। दोनों हाथ उठाकर बस आप नारेबाजी हो रही थी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की दमदार खबरें मिलते रहेंगे आपको ए बी न्यूज़ 24। अब हमको भाषा बलिया जिले में बखद एक और समाजवादी के रुझारू कार्यकर्ता मिल गए। इनका नाम भाषा मोनू खान। मोनू खान बहुत परेशान अप्लीकेशन लेकर डीएम साहब के पास आते कि देखो साहब देखो, तहसील परिसर से हमारा मोटरसाइकिल उठ गया, दिन दहाड़े लापता हो गया। अब बताइए ये भी कोई बात हुई, तहसील परिसर से भाषा मोटरसाइकिल लापता हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। इसकी लापरवाही इसका जिम्मेदार कौन है? अब मोनू खान की बातें सुन लीजिए, आपके पास माथे से पसीना चुने लगेगा। आपका परिचय? मेरा नाम मोनू खान है, मैं युवा नेता समाजवादी पार्टी का नागरिक जी। थाना हम लोग का कोतवाली पड़ता है जी। क्या मामला है? जिलाधिकारी कार्यालय पे आए थे हम लोग, इसलिए आए थे एसपी साहब को अवगत कराने के लिए कि हम शुक्रवार के दिन हमारी गाड़ी चोरी हो गई है न्यायालय परिवार के गेट के सामने से, पीडब्ल्यू के सामने से। हम लोग कराने के वहाँ पर तमाम गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। अब प्रशासन इस पर कुछ पा नहीं रहा है। जिले में हॉस्पिटल हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, तमाम जगह से डेली गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। अब मोनू खान की समस्या का निदान कब होगा? भाषा इनकी फटफटिया इनको कब मिलेगी देखा जाएगा। पर खास तौर से भाषा बलिया के लिए प्रवीण श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट। वीडियो जैसी मिलेगी आपको कमेंट करके बताइए। इस तरह की दमदार खबरें, ठोकम ठोक खबरें मिलती रहेंगी आपको। तुरंत भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाओ, घंटी दबाओ और चाहे भाषा कारता इसमें माथा फोड़ लो लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इस तरह की दमदार खबरें, ठोकम ठोक खबरें मिलती रहेंगी। तुरंत सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगी।